को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश धन काली की साधना धन काली की साधना उन साधनाओं में है जो मैंने आपको बोला था कि दीपावली के पहले मैं आपको दूंगा और दीपावली आते, आते आते आप लोगों के जीवन में जो भी धन की कमी है वो समाप्त हो जाएगी जो ऋण में है वो ऋणी नहीं रहेंगे जिनको दिनचर्या के पैसे की व्यवस्था में दिक्कत होती है उनको वो दिक्कत नहीं रहेगी और आप सुखी और संपन्न हो जाएंगे उसी कड़ी में आज मैं आपको धन काली की साधना बता रहा हूं तो आप लोगों में से बहुत लोगों को ये शायद नहीं पता होगा कि काली की साधना से भी धन की प्राप्ति की जा सकती है जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो एक ओमकार से हुई है मतलब एक ही ओम का जो बीज है उस बीज से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तो विश्व में जो भी होता है वो उसी ओमकार का बाई प्रोडक्ट होता है ओमकार के नाद के बाद जो शून्य से महाशून्य फिर ओमकार हुआ ओम नाद के बाद वो जो नाद है वो तीन अलग अलग बीज मंत्रों में विभाजित हुआ जिसके बीच के कालखंड में ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी की पुत्री आई गायत्री और सावित्री देवी आई तो अज्पा गायत्री सावित्री गायत्री ये सब मंत्रों की रचना हुई और फिर हुआ संरचना तीन बीज मंत्र का श्रिम क्लिम और हृम मतलब लक्ष्मी सरस्वती और काली का इन तीनों का कार्य विभाजन अलग अलग था एक शक्ति बुद्धि के विकास के लिए थी एक शक्ति शक्ति रूपा थी और एक शक्ति माया रूपी थी जो कि माया आपके जीवन में आए उसमें बढ़ोतरी करती है इन तीनों शक्ति की अलग अलग तरीके से साधना करने से एक दूसरे का जो इनका कार्य क्षेत्र है उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं उसी सिद्धांत से एक साबर मंत्र मैं आप लोगों को दूंगा जिसकी प्रत्येक दिन साधना करने से धन प्राप्ति आपको होगी देखो काली को सिर्फ काली के रूप में अगर आप पूजते हो गृहस्थ होकर तो उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को ज्ञान की आवश्यकता होगी सिर्फ धुन में आके अगर आप काली की पूजा घर में करते हैं तो हो सकता है कि वो आपका नाश का कारण बने उसका क्या कारण है काली मातृ रूप है लेकिन आपका धन और धन और गृहस्थ जीवन का नाश इसलिए होगा कि काली मातृ रूपा होते हुए भी महाकाल के साथ मसान में विराजिति हैं आपने जब उनका आवाहन घर में कर दिया तो आपने उनके हिसाब से अपने घर को करने का मनोदशा बना लिया ऐसा मां को लगेगा अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि मां को क्या नहीं पता है लेकिन जो स्वाभाविक रूप से है मां एकदम छोटी बच्ची के स्वभाव की है माँ काली इसीलिए माँ की पूजा में बहुत तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है जैसे कि आप हमेशा जो नीले रंग की मूर्ति होती है या तस्वीर होती है वो घर में लगाएंगे माँ जो आपके घर में है वो दक्षिणेश्वर नहीं होनी चाहिए आद्या के अलावा आद्या में दक्षिणेश्वर इसलिए होता है क्योंकि तभी माँ काली जो महामाया है जो सब देवियों के ऊपर है आद्या स्वरूप है इसीलिए उनका दक्षिणेश्वर मूर्ति या फोटो आपके घर में लग सकता है काली की मूर्ति को आप दक्षिणेश्वर नहीं रख सकते दक्षिणेश्वर काली का मतलब महादेव काली के सामने हो और उनका आंख और आ, महादेव का आंख मिल रहा हो एक तस्वीर ऐसी आती है जिसमें लेफ्ट टू राइट महादेव लेटे होते हैं अगर आप तंत्र में निपुण हैं तो आप दक्षिणेश्वर काली की तस्वीर अपने घर में लगा सकते हैं ठीक है दूसरा बहुत लोग माँ को रक्त बलि देते हैं या बलि देते हैं घर में ये सब क्रिया नहीं करनी चाहिए माँ का सारा रूप बली नहीं लेता है माँ काली मूल रूप से वैष्णवी है जैसे और भगवती हैं लेकिन लोगों को लगता है कि क्योंकि माँ काली बहुत ही उग्र देवी है तो वो वैष्णवी नहीं होंगी वो बलि लेती होंगी लेकिन ये मिथ्या है ऐसा नहीं है एक अहम बात माँ भगवती की जब भी आप माँ भगवती देवी काली की जब भी घर में पूजा करेंगे तो साथ में बटुक भैरव की पूजा करें बटुक भैरव के पूजा को, को करने से सब कुछ आपके जीवन में जो है वो बैलेंस रहेगा ठीक है क्योंकि माँ उसके बाद अपने पुत्र के साथ विराजेंगी विषय पर वापस आते हैं माँ महालक्ष्मी का जो है वो एक स्वरूप है ठीक है और उन आठ सौ एक सौ आठ स्वरूपों का आपको हमेशा जीवन में जरूरत पड़ता है लेकिन यह बात भी सत्य है कि लक्ष्मी की कृपा सब पर नहीं आती किसी पर कुंडली की वजह से नहीं आती किसी के ऊपर कर्म के वजह से नहीं आती इन दोनों मतलब कुंडली और कर्म के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं लेकिन फिर भी मां लक्ष्मी की पूरी कृपा लोगों के जीवन में नहीं आती उस कृपा को जो कि किसी योग के कारण रुक रहा हो या आपके जीवन में नहीं आ रहा हो या किसी जादू टोनों के चलते रुक रहा हो उसके लिए ये साधना है ये साधना एक आम गृहस्थ एकदम मजे में अपने घर में कर सकता है और इस साधना का हंड्रेड परसेंट रिजल्ट है साधना सुबह पूजा स्थान पर आपको छप्पन बार गिनती करके अब ध्यान रखना मैं जब बोलता हूं कि आपको गिनती करके करना है इसका जाप तो गिनती करके ही करिएगा छप्पन बार आपको रोज इसका जाप करना है इसका पूजा आपको कैसा करना है अब ये नहीं की जैसे कि बिना किसी मंत्र का आप पूजा शुरू कर दिए उसका जाप कर लिया उसका दुट गया ऐसा नहीं करना है संकल्प लीजिएगा कि हे माँ भगवती देवी काली मैं आपका ये जाप आज छप्पन बार करूँगा अपने गुरुदेव का पूजन करिएगा अगर गुरु मंत्र है तो उसका पूजा कीजिएगा आसन को बांधिएगा दिशा को बांधिएगा व अपने देह को बांधिएगा भगवा बंधन कीजिएगा और मां भगवती को बोलेगा हे मां भगवती धन की कमी है या फिर माया से मुझे मेरी माया की जो भी कमी है उसको उसको पूरा करो इसके लिए मैं ये जाप कर रहा हूँ आप इस जाप को निरंतर करेंगे कभी इसको छोड़ना नहीं है ठीक है तो आप अब मंत्र सुनिए मैं मंत्र मैं आपको तीन बार पढ़ के बताऊंगा हम्म इस मंत्र को आप लोग लिख लीजिएगा और इसका रोज छप्पन बार जाप कीजिए काली कंकाली महाकाली सुख सुंदर जिये बयाली चार वीर भैरव चौरासी बता तू पूजू पान मिठाई अब बोल काली की दुहाई फिर से सुनिए काली कंकाली महाकाली सुख सुंदर जिये बयाली चार वीर भैरव चौरासी बता तू पूजू पान मिठाई अब बोल काली की दुहाई तीसरी बार सुनिए काली कंकाली महाकाली सुख सुंदर जिये बयाली चार वीर भैरव चौरासी बतातु पूजू पानी काली की रोज बार इसका जाप करेंगे आप लोग अभी से लेकर के दीपावली तक तो एकदम नित्य कीजिएगा इसको छोड़िएगा मत और जीवन भर करिएगा आपको इसका रिजल्ट आएगा जिसके भी जीवन में धन की कमी है वो पूरी हो जाएगी इस मंत्र को करने के बाद आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कि धनाट ना हुआ धनाट ना हुआ हो तो ऐसा जरूर कि उसको कभी किसी से एक पैसे मांगने की जरूरत ना पड़ी हो आज के लिए इतना ही ये जो लक्ष्मी साधना दीपावली तक चलनी है उस क्रम में ये दूसरा मंत्र था इसके बाद में और मंत्र यंत्र और तंत्र तीनों दूंगा तो आप लोग देखते रहें। इस मंत्र को और जो भी मंत्र दूंगा और जो पहला मंत्र दिया है सबके साथ आप लोगों को करना है ठीक है आज के लिए इतना ही साधना शिविर मंथ एंड में होने वाला शिवपुरी में जिसको भी उसमें आना है वो वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं साधना एक तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शुरू हुआ है दूसरा दस दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है दोनों का रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे चल रहा है वो आप कर सकते हैं जिनको व्हाट्सएप के माध्यम से साधना का शुरुआती मंत्र सीखना है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव ये एक पेड ग्रुप है अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप लोग मेरे वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट डॉट एक्स वाई पर लॉग इन करें डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर आउट डाउनलोड करें इसको इंस्टॉल करें उसमें रूद्र सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मुझसे डायरेक्ट बात हो जाएगी माँ भगवती देवी काली आप लोगों पर ढेरों ढेर पैसे बरसाए ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश आदेश, लाग, आदेश.